आपको सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल माश की दाल। और माश की दाल बनाना वैसे तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको आ जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार दाल है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने माश की दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसको मैं बॉईल नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही मैं बिना बॉईल किए ही बनाऊँगी और ये बहुत ईजी है, आप देखिएगा आज। तो यह मैंने एक मीडियम साइज अनियन लिया, इसको रफली चॉप कर लिया। ये मेरे पास चिकन है 1 पाव, ये मीडियम साइज टोमेटो है, इसको भी मैंने रफली चॉप किया है। जिंजर है और ये 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं क्योंकि हमें ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। और ये 7 से 8 चवे लहसुन के हैं और ये है मेरे पास ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया ऑयल। मैंने थोड़ी देर पहले चूल्हे को इसलिए जला दिया था क्योंकि मिट्टी की जो हांडी है उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो इसमें मैं ये अनियन डाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाता और वो जलने वाला टेस्ट आता, तो इसमें स्टार्ट में नहीं डालना, आपने इस स्टेज पे आकर इसमें लहसुन ऐड करना है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। सूखा केला रहता है ना, इसमें तेज डाल देता है और इसी स्टेज पर मैं इसमें ये जिंजर ऐड कर दूँगी, जो मेरे पास टेस्ट था जिंजर टेस्ट। और अब मैं चिकन को, अगर भूनी वाली अच्छी नहीं होगी तो बाद में चाहे जितना मर्जी दम दे ले वो उसका टेस्ट नहीं आएगा, वो कच्चापन उसमें रह जाता है। अब ये देखिए मेरा ना वो साइड से आप देखते हैं कि थोड़ा ऐसे लगना शुरू हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँ ताकि वो लगे ना। इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँ चिकन को। वाइट फ्राइड चिकन मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पर्सनली मैं नहीं चाहती कि चिकन एकदम वाइट वाइट हो। चिकन को अच्छे से भून के इस स्टेज पे आके मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी जो मैंने टमाटर, एक मीडियम साइज आपने टमाटर ले लिया, आपको चॉप कर लेना ऐड फ्री। और ये मेरे पास 2 चम्मच थे, मैंने इनको भी इसमें ऐड कर दिया। और मैं इसके साथ थोड़ा सा ये पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि वो मैं इसमें जो भी ड्राई मसाले डालूँगी ना वो चलेगा।
चार चम्मच गरम मसाला एक चम्मच भर के हल्दी एक चम्मच है सूखा धनिया मैं डेढ़ चम्मच इसमें डाल दें और ये रहा मेरे पास जीरा। जीरा मुझे थोड़ा अच्छा लगता है साबुत है इसलिए मैंने उसको तैयार किया। बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आएगा अगर हमारा गोश्त तो वाइट वाइट होता तो अभी मसाला भी वाइट ही लग जाना। तो अब मैं अच्छे से भून लेती हूँ उसके बाद मैं दाल ऐड कर दूँगी। और दाल मेरे पास बिल्कुल भी बॉइल्ड नहीं है, मैंने सिर्फ इसको भिगो के रखा था दो एक घंटे और अब मैं उसको इसमें ऐड कर दूँगी। दाल वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो मैं मट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ और उसमें ही उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दाल हो या ऐसी कोई भी चीज़ तो फिर मट्टी की हांडी ही यूज करूँ। गोल्डन सा शेड है आपने ज़्यादा भी इसको नहीं कर देना कि वो कड़वा ही उसका हो जाए टेस्ट। फाइनल लुक ओके अल्लाह हाफिज़।